हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मांत्र शिक्षा का ग्रंथ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम। सो बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने देखा था आरएच विटेकर ने पूरी डाइवर्सिटी को, जितने भी ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सभी को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर नंबर 1 किंगडम था मोनेरा, देन आपके पास था प्रोटिस्टा, देन आपके पास था फंजाई, एंड फंजाई के बाद आपके पास आता है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के बाद आता है एनिमल किंगडम। तो बेसिकली फंजाई तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है, एंड आज हम डिटेल मैनर में प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम के अंदर हम 5 मेजर ग्रुप्स को स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि नंबर 1 एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। एक एक करके हम इन 5 किंगडम को बहुत डिटेल मैनर में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ अब अगर हम कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें इन सभी किंगडम्स को, इन सभी फाइलम को डिटेल मैनर में स्टडी करने से पहले, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम के, तो क्या हुआ था कि काफी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने बेसिस दिए कि प्लांट किंगडम को फर्दर कैसे डिवाइड किया जाए, उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है लीनियस, कार्लस लीनियस। लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिस्टम अपना दिया। एंड इसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो ये आपका अर्लीएस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, द अर्लीएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट आ गया अर्लीएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर क्या यूज किया गया, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आप केवल बाहर से देखने पे बता सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनके बेसिस पे, जैसे कि सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स एटसेट्रा। दे वर मेनली बेस्ड ऑन दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। मेनली किस कैरेक्टर पे बेस्ड था, मेनली बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे, और ऑन दी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। दिस सिस्टम वॉज गिवन बाई लीनियस, सच सिस्टम वर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये ज्यादा वेटेज देता था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये सिस्टम इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है। एंड अब इसका जो डिसएडवांटेज था इस आर्टिफिशियल सिस्टम का, वो ये था कि लीनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दे दी, मतलब उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। लेकिन अब एक बात यह भी है कि नेचर के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मोर इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, ओके? तो इसीलिए ये जो सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं था, ओके? इसके बाद आपके पास आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी एफिनिटीज ली गई जो कि नेचुरल थी। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन दी नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज जैसे कि आपके पास आ गए इंटरनल फीचर्स,
एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स। तो नेचुरल सिस्टम केवल एक्सटर्नल फीचर्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड नहीं था, इसके अंदर आपने इंटरनल फीचर्स भी लिए, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। ठीक है, तो आपने अभी तक दो सिस्टम पढ़े, आपने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आपने क्या देखा था? आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया। उसके बाद आपने देखा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने, एंड इसके अंदर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया। फिर थर्ड सिस्टम आपके पास आ जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हो। ठीक है, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपने तीन क्लासिफिकेशन के सिस्टम पढ़ लिए। ओके, अब आपके पास आता है न्यू डेवलपमेंट इन टेक्सोनॉमी, कि क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए टेक्सोनॉमी के अंदर। टेक्सोनॉमिस्ट ने आपके पास तीन तरीके की टेक्सोनॉमी डिफाइन करी। नंबर वन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देन आपके पास आई साइटो टेक्सोनॉमी, उसके बाद आपके पास आई कीमो टेक्सोनॉमी, एंड ये तीन तरीके की आपके पास टेक्सोनॉमी आ गई। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर क्या बोला टेक्सोनॉमिस्ट ने कि ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ये ऑब्जर्वेबल डेटा के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ओके। एंड इस टेक्सोनॉमी के अंदर हम नंबर्स एंड कोड्स असाइन करते हैं। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड, ओके। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन दी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा आर देन प्रोसीड, ओके, प्रोसेस्ड। सेकेंड टाइप की आपके पास टेक्सोनॉमी आती है साइटो टेक्सोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है साइटो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ। साइटो टेक्सोनॉमी का मतलब हुआ कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल की इंफॉर्मेशन बेसिकली। साइटो, साइटो का मतलब क्या हुआ? साइटो का मतलब हुआ अबाउट सेल। तो बेसिकली साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर, सेल का बिहेवियर, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे। फिर थर्ड आपके पास आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। कीमो का मतलब होता है केमिकल। तो बेसिकली कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स, ओके। तो अभी तक आपने तीन क्लासिफिकेशन के सिस्टम देख लिए, न्यू डेवलपमेंट देख लिया टेक्सोनॉमी के अंदर। इनसे काफी बार डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ अब अगर हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप आता है दैट इज एल्गी। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। अब अगर हम एल्गी की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज थैलोफाइटा। एल्गी ग्रुप को आप थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हो, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली अक्वेटिक
ऑर्गेनिज्म, अक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्गी के अगर हम हैबिटाट की बात करें तो एल्गी जनरली मॉइस्ट सॉइल के अंदर, स्टोन्स के अंदर, वुड के अंदर, वुड के ऊपर, आपके वाटर के ऊपर, कहीं पे भी मिल सकती है। ओके, एंड एज वेल एज एल्गी जो होती है, आपने पिछले लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि एल्गी जो होती है वो कई बारी एसोसिएटेड वे में भी रहती है, सिम्बायोटिक वे में भी रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करती है। ठीक है, तो सम ऑफ द एल्गी ऑल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, जिसे आप बोलते हो लाइकेन, एंड कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो एनिमल्स के स्किन के ऊपर भी होती है, जैसे कि ऑन दी स्लॉथ बियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। फिर अगर हम एल्गी के साइज की बात करें तो एल्गी का जो साइज होता है वो डिफरेंट तरीके से वेरी करता है, जैसे कि साइज की बात कर लो या स्ट्रक्चर की बात कर लो, फॉर्म की बात कर लो, तो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवक्स। कोलोनियल फॉर्म की अगर बात करते हो तो याद रखना कोलोनियल फॉर्म इज वॉलवक्स, फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट्स प्रेजेंट है, कॉलोनीज में अगर एल्गी रह रही है तो दैट इज वॉलवक्स का एग्जाम्पल। फिलामेंटस फॉर्म है तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आपके एग्जाम्पल है। या फिर अगर मेराइन फॉर्म की बात करें, जैसे कि कैल्प्स जो कि मैसिव प्लांट बॉडी है, तो आपने अभी तक तीन एग्जाम्पल्स देखे, तीन फॉर्म्स देखे एल्गी के। नंबर वन कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। फिर आपने देखा फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है यूलोथरिक्स एंड स्पायरोगायरा। फिर आपने देखा मराइन फॉर्म, मरीन एल्गी जिसका एग्जाम्पल है कैल्प्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी जो होती है तीनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो जाएगा, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज कैरिड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ मोस्ट कॉमन स्पोर्स दैट इज नोन एज जू स्पोर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स। दे आर फ्लेजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेटिंग, जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। तो ये स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं, एंड जर्मिनेशन के बाद ये न्यू प्लांट, न्यू एल्गी को फॉर्म कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका विद द हेल्प ऑफ, विद द फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स टेक प्लेस। दीज गैमिट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अगर गैमिट्स फ्लैजिलेटेड हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट हैं दोनों ही गैमेट पे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पे, और दोनों गैमेट्स आपके सिमिलर हैं साइज में, तो वो एग्जाम्पल होगा यूलोथरिक्स का। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज अगर है, सिमिलर साइज है किसका, गैमेट्स का, तो वो एग्जाम्पल होगा यूलोथेरिक्स का। ठीक है, यूलोथेरिक्स एग्जाम्पल हो गया। अब अगर गैमीट्स आपके नॉन फ्लेजिलेटेड हैं, नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स हैं मतलब नॉन मोटाइल हैं, फ्लेजिला किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में, लोकोमोशन में, नॉन मोटाइल हैं, बट उसके बावजूद ये साइज के अंदर सिमिलर हैं, साइज आपका सिमिलर है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा स्पायरोगायरा। ओके, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डिससिमिलर इन साइज, मतलब अगर साइज सिमिलर है तो आपका हो गया आइसोगैमस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, साइज अगर सिमिलर है तो, अगर डिससिमिलर साइज है मतलब एक छोटा गैमिट है एक बड़ा गैमेट है, तो वो एनाइसोगैमस हो गया। एंड फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक यानी कि मूवमेंट नहीं शो कर रहा फीमेल गैमेट, ऐसा गैमेट, ऐसा फीमेल गैमेट जो कि लार्ज है और नॉन मोटाइल है,
और दूसरा गैमीट जो कि आपका मेल मोटाइल गैमीट है, तो ऐसे गैमीट का अगर फ्यूजन हो रहा है तो दैट इज नोन एज ओगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि एग्जाम्पल हुआ आपका वॉलवक्स एंड फ्यूकस के अंदर। ठीक है गाइज, याद रखना प्लांट किंगडम के अंदर आपको, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके नाउ अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के ऊपर हैं। ओके तो ग्रीन एल्गी, एल्गी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास तीन टाइप्स की एल्गी हैं। नंबर वन ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी एंड देन रेड एल्गी। ये तीनों किसके ऊपर बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं बेस्ड ऑन दी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एल्गी। तो बेस्ड ऑन दी पिगमेंट, पिगमेंट के ऊपर हमने एल्गी को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल है वॉलवक्स यूलोथेरिक्स, ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टेटा, रेड एल्गी पोरफायरा एंड पॉरी साइफोनिया। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर देके आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए ये एग्जाम्पल किसका है। ओके तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ अब अगर हम एल्गी के बारे में थोड़ा और देखते हैं तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी के बहुत सारे यूजफुल वेराइटीज हैं। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय दी एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी जो है वो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देती है नेचर के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट एनवायरमेंट। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होती है इसीलिए ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर देती है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग दी 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी दैट इज यूज एज अ फूड। बहुत सारी एल्गी हैं जिन्हें आप फूड की तरह यूज में लेते हो। बेसिकली मरीन एल्गी जो है आपके पास उनको आप फूड की तरह यूज में लेते हो, जिनमें से आपके पास तीन एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, पोरफायरा, देन आपके पास है लेमिनेरिया एंड थर्ड आपके पास है सार्गेसम। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। बहुत सारी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी हैं जो कि हाइड्रोकोलाइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। दे आर यूजफुल इन, वेरी यूजफुल इन मेकिंग ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉडीज, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एल्गिन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। कैराजिनिन, कैराजिनिन एग्जाम्पल है रेड एल्गी का। देखो कैराजिनिन एग्जाम्पल है रेड एल्गी का जो कि कमर्शियली यूज में लिए जाते हैं। अगार, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया दैट आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। आपने लैब्स के अंदर देखा होगा हम अगार को, अगार न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज में लेते हैं जो कि हमें ऑब्टेन्ड होता है विद द एल्गी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके एंड ये दोनों एल्गी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया को हम इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज में भी यूज में लेते हैं। कॉलेरा जो कि एक यूनिसेल्यूलर एल्गा है, एल्गी है, याद रखना कॉलेरा एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है दैट इज रिच इन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन में रिच है, वो भी फूड सप्लीमेंट की तरह यूज में ली जाती है इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है तो कॉलेरा एल्गी स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज में ली जाती है एज अ फूड सप्लीमेंट। अब अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो हमारे पास एल्गी के तीन क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये तीनों क्लासेस को हम
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।